बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी टैलेंट और अपने पैशन के मालूमात नहीं होती, वो समझते नहीं है कि उनका कौन सा फील्ड उनके लिए बना हुआ है, वो किस फील्ड के लिए वो बन गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो उन फील्ड को परसू करते हैं, वो इन फील्ड को सेलेक्ट करते हैं जो कल वो खुश नहीं होते, जो बाद में वो खुदकुशी करते हैं। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मसला आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बहुत सारों को ये मसला होता है कि वो अपनी फील्ड में खुश नहीं होते, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। तो आज मैं उनके लिए कुछ टिप्स आपके लिए शेयर करता हूँ, उन तमाम तालिब इल्मों के लिए जो चाहते हैं कि वो किस फील्ड में जाए, उसका टैलेंट उनमें वो कौन सा टैलेंट है, वो कौन सा पैशन उनमें मौजूद है। अगर वो उसको सेलेक्ट कर ले तो वो कल खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ये सही मुस्लिम का एक हदीस शरीफ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हर बच्चा वो ठीक ही पैदा होता है, उनमें उतनी ही सलाहियतें होती हैं जो बाहर मुल्कों के, जो हमारे हम जिसको इलीट क्लास कहते हैं, उन इलीट्स के बच्चों की जो सलाहियतें होती हैं वो हर गरीब के घराने में, वो उसके बच्चे में वो सलाहियतें होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको ढूंढ नहीं पाते, वो हम उसको डिस्कवर नहीं पाते। तो उस बच्चे के पहले 7 साल बहुत कीमती होते हैं। आपने अगर फिनलैंड की मैं एक मिसाल देते जाऊँ तो फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वो अपने बच्चों को पढ़ाई ज़्यादा नहीं करते, वो पेड़ के कामों में वो उसको ज़्यादा मशगूल करते हैं, वो उसको फर्नीचर का काम सिखाते हैं, वो उसको ये सिखाती है कि आपने आरी किस तरह चलाना है, आपने पेड़ में किस तरह काम करना है, उसको मुख्तलिफ बाजरों का काम वो उनसे करवाते हैं, वो उनसे मटीरियल बनाते हैं, वो उनको डिफरेंट आले देते हैं कि जाओ आपने इससे ये काम कर ले, वो उसको स्किल सिखाते हैं। हमारे यहाँ ये रवायत नहीं है कि हम बच्चों को कुछ सिखा सके, कुछ स्किल दे, हम उसको रटा टीटा एंटी टीटा और टीटा वाले स्टूडेंट हम उनको बनाते हैं जो बाद में उनके लिए एक जहर बन जाता है, वो उसके अंदर एक जहर बन जाता है उस बच्चे के अंदर, वो बाद में अपनी सलाहियतों का एहसान नहीं करते और वो जो स्पीड में जाते हैं वो उसमें खुश नहीं होते, उसका हर लम्हा उसके लिए दोजा बन जाता है, जिसकी वजह से उनका माइंड उनकी साइकी इस तरह बन जाती है कि वो अपने काम से वो बढ़ जाता है, जब वो बढ़ जाता है तो उसकी साइकोलॉजी में वो अपने माइंड में उसके लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो एंटी हार्मोन वो रिलीज़ हो जाता है उसके माइंड में और वो फिर सुसाइड के लिए सोचता है। सवाल ये होता है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, मैं कौन सा फील्ड को सेलेक्ट कर लूँ और मैं उसको अगर परसू करूं तो मैं बाद में फिर मैं खुश होऊंगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिर्फ 3 पीढ़ हैं, तो 3 या 2 पीढ़, इससे ज़्यादा मुझे कोई भी पीढ़ नज़र नहीं आता, या वो डॉक्टर्स होगा या इंजीनियर बनेगा। ये हमारे वालिदैन अपने बच्चों पर ये दबाव डालते हैं और ज़्यादातर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसको हम इदारे, हमारे एजुकेशन इदारे हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे स्कूल्स हैं, वो भी इनको ये नहीं सिखाते, बस उनको नंबरों के चक्करों में डालते हैं, वो रेट रेस में उनको डालते हैं और वो उनको में शामिल करते हैं कि जाओ नंबर ले आओ और आप डॉक्टर और इंजीनियर बनो। नहीं, आपने अगर आप ये वीडियो वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखो, अगर आप में ये सलाहियत है कि आप अच्छी दलाइल और सबूत के साथ अपनी बात कर सकते हैं तो आप एक अच्छे वकील भी बन सकते हैं। अगर आप की प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, आप अपनी बात दूसरे को अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हो, उसको समझा सकते हो तो आप एक अच्छी टीचर बन सकते हो। अगर आप में ये सलाहियत है कि आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो तो आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो। अगर आपका ताल्लुक एक अच्छे रीडर के साथ है तो आप क्रिटिकल एनालिसिस भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर आप अच्छे क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, आप राइटिंग भी कर सकते हो,
आप दो तीन पेजेस इंग्लिश में अपनी किल आपने इतनी डिलीवर्ड की है कि आप अगर अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश लिखते हैं, तो आप अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी बन सकते हैं। आप में अगर ये सलाहियतें हैं तो आप इस माशरे के अच्छे बंदा जो कल को डिलीवर करेगा अपनी पीढ़ी में, वो कामयाब आप बन सकते हैं। आप एक सक्सेसफुल और कामयाब पर्सनालिटी बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक जिस भी पीढ़ को सेलेक्ट करने का इरादा किया हुआ है और आप पे दबाव है, तो इसको स्किप कीजिए। लेकिन अगर आप पे दबाव है और आप समझते हैं कि मैं इसको कर सकता हूँ, ये मैं भी अगर इसको परसों करूँ, मुझे पता नहीं था लेकिन दूसरे बंदों से मुझे पता चला ये पेड़ अच्छा है, मैं आपको बताता चलो। एक आम बंदे के, एक बड़े बंदे की ये कॉल है, कासिम अली शाह साहब ये बताते हैं कि स्कोप पेड़ का नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है। आपने देखा होगा बहुत एजेड पर्सन होगा, वो डीसी और एसी बन जाता है, बन नहीं जाता बल्कि वो उसमें 15 साल उसके हो चुके होते हैं, लेकिन वो एक जगह पे स्टिक हो जाता है, वो वहाँ पे वो रह जाता है। लेकिन उनमें आप एक यंग बंदा देखोगे, वो एसी डीसी बिल्कुल 3-4 साल उसके होंगे, फिर 3-4 साल बाद उसकी कारकर्दगी, उसकी जो उन्होंने डिलीवर किया होता है, जो पब्लिक के रिस्पांस में जो उन्होंने डिलीवर किया होता है, वो इतना होता है कि उसको सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी हेल्थ लगाया जाता है, उसको एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट दिया जाता है, उसको कमिश्नर बनाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि उनमें वो सलाहियत होता है, उन्होंने उनको पॉलिश किया होता है। अगर आप में ये सलाहियतें हैं तो आप उस पेड़ को भी ले लीजिए, उस पेड़ को सेलेक्ट कीजिए। मेरे मुतालिका इदारों से ये दरख्वास्त है कि आप इसमें अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में इस तरह के एक सेशन करवाएं। एक अच्छे बंदे को अगर आप बुलवा लें, और अगर ये नहीं कर सकते तो ये इंटरनेट पे बहुत सारा सारा कुछ मौजूद होता है। हमारे जो डिसीजन मेकिंग की सलाहियत होती है बच्चों में, वो बहुत कम है, क्योंकि वो ये फैसला नहीं ले सकते। तमाम टीचर साहिबान से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस बारे में सोचें, इन बच्चों के लिए सोचें, उनको ये मोटिवेट करते जाए कि आपने सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना है, आपने डिफरेंट सोचना है और आपने वेस्ट सोचना है, और अपनी जो सलाहियतें हैं उसको बरकरार लाकर इस माशरे के लिए आपने कुछ डिलीवर करना है। थैंक यू सो मच।